देश भर में ओमिक्रॉन अब पूरी तरह से पैर पसार चुका है। हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को ओमिक्रॉन के हर लक्षण के बारे में बता रहे हैं ताकि समय रहते इसकी पहचान की जा सके। ओमिक्रॉन के लक्षण कुछ मायनों में डेल्टा से अलग हैं, हालांकि इससे भी कुछ लोगों को सर्दी जुकाम खांसी और गले में खराश जैसी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके लक्षण यहीं तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि ओमिक्रॉन श्वसन संक्रमण के अलावा आपके पेट को भी प्रभावित कर सकता है। ओमिक्रॉन के लक्षण पेट से भी जुड़े हैं। पेट से जुड़े ओमिक्रॉन के लक्षण, अगर आपको बिना बुखार के ही उल्टी, जी मचलाना और पेट दर्द जैसी दिक्कत महसूस हो रही हो तो एक्सपर्ट के अनुसार ये ओमिक्रॉन का संक्रमण हो सकता है। अगर आपको श्वसन संबंधी लक्षणों या बुखार के बिना भी पेट में समस्या पैदा हो रही है तो आपको देर किए बिना कोरोना का टेस्ट करवा लेना चाहिए। नए स्ट्रेन में ज्यादातर लोगों में पेट खराब होने की दिक्कत पाई जा रही है। वैक्सीनेटेड लोगों में भी ये लक्षण पाए जा रहे हैं। कोविड 19 के कुछ नए लक्षणों में मितली, पेट में दर्द, उल्टी, भूख न लगना और दस्त जैसे लक्षण शामिल हैं। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? गुड़गांव के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज गोयल ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, कुछ लोगों को शुरुआत में बिना सर्दी जुकाम के सिर्फ पेट की दिक्कत महसूस हो सकती है। इनमें पेट दर्द, पेट में दर्द, मतली, उल्टी, भूख न लगना और दस्त जैसे लक्षण शामिल हैं। ओमिक्रॉन की वजह से पेट की ऊपर की पतली परत म्यूकोसा संक्रमित हो जाती है और इसकी वजह से सूजन आ जाती है। एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हुए लोग भी पेट से जुड़ी इन दिक्कतों के साथ आ रहे हैं। ये लक्षण गंभीर नहीं है और चिंता की कोई बात नहीं है, ना करें लापरवाही। एक्सपर्ट का कहना है कि पेट में दर्द, जी मिचलना और भूख न लगने को सामान्य फ्लू की तरह न लें। अगर आप में ये लक्षण है तो खुद को तुरंत आइसोलेट कर लें, बिना डॉक्टर के खुद से कोई दवा न लें, खुद को हाइड्रेट रखें, हल्का खाना खाएं और पूरी नींद लें। इस दौरान मसालेदार खाने और शराब से बिल्कुल दूर रहें। डॉक्टर्स के अलावा हल्के लक्षणों से घबराने की जरूरत नहीं है, लक्षण दिखने पर ये करें काम। एक्सपर्ट का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों को साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों को ताज़ा खाना खाना चाहिए, लोगों के साथ खाना शेयर करने से बचें, खाने से पहले सभी फलों को अच्छे से धो लें, बाहर का खाना खाने से बचें और भले ही आप वैक्सीनेटेड हों, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। आइसोलेशन अवधि पूरी हो जाने के बाद ही अपने कमरे से बाहर निकलें। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।